हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आपका रसोई घर में। आज हम अपने रसोई में बनाने जा रहे हैं छुहाड़ा का हलवा, जो बहुत ही अच्छा बनता है और आप इसे किसी भी व्रत में बना के खाएं। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं छुहाड़ा का हलवा बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छुहाड़ा लिया है। छुहाड़ा आप अपने हिसाब से ले, कम या ज़्यादा। और इसे मैंने 3-4 घंटे पानी में फुला कर रख दिया था। 3-4 घंटे के बाद देखेंगे कि छुहाड़ा कुछ इस तरीके से फूल जाएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि इसका जो ये ऊपर का भाग होता है, उसे चाकू की सहायता से कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। और इसके अंदर का जो बीज होता है, उसे हम चाकू से इस तरह से काट के निकाल लेंगे। ये बहुत आराम से कट जाता है, इसलिए कि छुहाड़ा जो है वो फूलने के बाद से काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से हम सारे छुहाड़ा के बीज को इससे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे छुहाड़ा का बीज को अलग कर दिया है। तो अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसके लिए हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसे हमें पीसना है, और इसे हमें बिल्कुल दरदरा पीसना है। इसमें थोड़ा सा भी पानी हम नहीं डालेंगे, बिल्कुल सूखा पीसेंगे हम इसे। देखिए, छुहाड़ा पीसने के बाद हमें कुछ इसे इस तरीके से रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं छुहाड़ा का हलवा बनाना। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसे हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। जब पैन पूरा गरम हो जाएगा तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा घी डालेंगे। घी की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम चारों तरफ फैला लेंगे। अब इसके बाद हमने जो छुहाड़ा को पीस के रखा था, उसे हम पैन में डालेंगे और गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे। और इसे लगातार चलाते हुए हम 2 मिनट तक घी के साथ भून लेंगे। नवरात्रि चल रहा है, आप इस हलवा को बनाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसे आप माता रानी का भोग लगाएं या फिर फास्टिंग में खाएं। और ये हेल्दी भी है, क्योंकि ये छुहाड़े से बना है। ये देखिए, हम इसे लगातार चलाते रहेंगे हाई फ्लेम पे, तो छुहाड़ा का कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। 2 मिनट तक मैंने छुहाड़ा को हाई फ्लेम पे भूना है। तो अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पूरा मलाई वाला 1/2 ग्लास दूध लिया है। यहाँ पे आप चाहे तो 1 ग्लास भी दूध ले सकते हैं। और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके छुहाड़ा में मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। और इसे ढककर हम 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। ये देखिए, छुहाड़ा जो है वो दूध के साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है, ये सूखने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ढक्कन हटा देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही स्पून से कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 छोटा चम्मच चीनी लिया है। वैसे चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। फ्रेंड्स, चीनी डालने के बाद से हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे ढककर 1 मिनट तक थोड़ा सा और पका लेना है। और अब हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से डालें। मैंने थोड़ा सा बादाम और काजू लिया है। फास्ट में आप इस हलवा को बनाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। वैसे अगर फास्ट नहीं भी है तो आप ये घर पर ऐसे ही बनाएँ या फिर बच्चों को बना के दें। ये हेल्दी भी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएँ। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे और फिर से इसे मिक्स करेंगे। हलवा हमारा ऑलमोस्ट बन के रेडी है। बस हम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसे और भून लेंगे। फ्रेंड्स, फास्टिंग में खाए जाने वाली भी और भी बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे है, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। बादाम का हलवा, बहुत सारा हलवा और रेसिपी मैंने डाल रखा है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए, हलवा बन के रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही स्वादिष्ट बना है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।